सोच रहा हूँ कि अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। जो गुफ्तगू हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना आज, वहाँ नहीं हो सकती। फ्लर्ट कर रहे हो? ये कौन सी जगह? यहाँ मैं काम करती होती थी। यहाँ वो लड़की देख रहे हो? हाँ, ऐसा यूनिफॉर्म होता था मेरा। अच्छा आओ। वो भी क्या दिन थे। सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यहीं पे काम करती थी। इतने सारे ख्वाब देखे थे मैंने, कैसे ख्वाब? पेंटर बनने के, डॉक्टर बनने के, बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोलने के, और 20,000 की शॉपिंग करने के। 20,000 की शॉपिंग? मैं यहाँ पे काम करती थी ना, तो यहाँ पे लड़कियाँ आती थी, वो इस तरह बात करती थी कि आज हमने 20,000 रुपये की शॉपिंग की। मुझे लगता था कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तब मैंने सोचा था मैं भी कभी एक साथ 20,000 की शॉपिंग करूँगी। फिर कौन से ख्वाब पूरे किए आपने इनमें से? पापा बन के रह गए और मैं वहीं की वहीं। वक्त जैसे मुझे ओवरटेक कर गया था। तो फिर वहां से आगे कैसे बढ़ी? सीख जाओगे बच्चा, तुम भी सीख जाओगे, अभी रह नहीं आए हो। नहीं, बताओ, जब तुम पहली दफा यहां पर आई तो क्या किया था? करना क्या था? दो ही ऑप्शंस थी मेरे पास, या फिर मैं अपने माजी और यहाँ पे कैद होने का रोना लेके रोती रहती, या फिर या फिर अपनी रूह को आजाद करके जीने की कोशिश करती। मैंने ये किया। अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, बस अच्छे वक्त की आस में दिन गुजार दिए और जीना आ गया। अगर उस वक्त मैं हार मान लेती तो मैं हार जाती। काश मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर होता। अपनी जिंदगी तो बेमकसद गुजार दी, मौत भी बेमकसद ही मिली। ऐसे मत कहो, गलती की है तो उसे गुनाह मत बनाओ, माफी मांगो और आगे चलो। आज की सोचो, भूल जाओ कल क्या था और कल क्या होगा, जो है वो आज है। अच्छा, वो पहले वाले के लिए सॉरी। हाँ, कुछ ज्यादा ही भूल गई मैं। वैसे आपस की बात है, बहुत गलत कह रहे थे तुम। आई एम श्योर तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा ना तो जूते मारेंगे। कुछ नहीं कहेंगे वो। वो क्यों? उनके पास वक्त ही नहीं इन सब चीजों के लिए। वो भी मरने वाले, सबको मार के मरेंगे वो। ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरी अम्मी नहीं है, शी पास्ड अवे व्हेन आई वाज 6। तो मेरे बाबा ने मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। साल में शायद सिर्फ 2 दफा मुलाकात होती थी, वो भी ईद पे। उसमें भी सिर्फ मेरी क्लास पार्टिसिपेशन और ग्रेड्स के बारे में ही बात होती थी। किसका बच्चा क्या बन गया, कौन कितना आगे चला गया और मैं कितना पीछे रह गया, यही बातें सुनता था मैं। कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसी गुजर रही है मेरी जिंदगी, अनजान लोगों के बीच में अगर डर जाता हूं तो किसको पुकारता हूं। 15 साल में अकेला रहा। जब वापस आया तो हम दोनों के दरमियान 15 साल का फासला था, जिसे ना कभी उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की ना मैंने। हाँ, महीने के एंड में एक चेक ज़रूर आ जाता है मेरे अकाउंट में, जिसको मैं उड़ा देता हूँ। और दोस्त? कोई दोस्त नहीं, जानने वाले बहुत हैं लेकिन दोस्त कोई नहीं। चलो कोई नहीं, मैं हूं ना, मुझसे दोस्ती कर लो। मैं सीरियस हूं, मेरे साथ दोस्ती करके बहुत फायदे में रहोगे। तो चलो, आज से हम दोनों दोस्त। वैसे दोस्त, आपका नाम क्या है? अलीज़े। शेरियार। नाइस टू मीट यू मिस्टर शेरियार। प्लेजर इज ऑल माइन मिस अलीज़े। ये
इतना सुकून है ना यहाँ पर, और वक्त भी कितना जल्दी से गुजर जाता है। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। क्यों? सोच रहा हूँ कि अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। बिल्कुल भी मुख्तलिफ ना होती। क्यों? क्योंकि हुजूर, जो गुफ्तगू हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना आज, वो वहाँ नहीं हो सकती। वो क्यों? तुम अमीर लड़के कभी किसी गरीब लड़की को देखते हो? लड़के तो हर तरह की लड़कियों को देखते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, तुमने आज तक कभी किसी वेट्रेस से बात की है बहुत दफा। ऑर्डर के अलावा? यही मैं कह रही हूँ, हम सिर्फ यहाँ पे साथ हो सकते हैं, वहाँ पे हमारी दुनिया बहुत अलग है। वहां साथ नहीं हो सकते तो क्या हुआ? यहाँ तो साथ है ना। फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं तो करना भी मत, वरना दोबारा मारे जाओगे। अरे कहाँ जा रही हो? मैं भी आ रहा हूँ। स्याह सीरीज, हफ्ता और इतवार रात 9 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।